अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एफडीज ब्लॉग्स में। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ वेसावा कोड़ी सी फूड फेस्टिवल। ये वही सी फूड फेस्टिवल है जिसकी मैं पिछले दो वीडियो से बात करते हुए आ रहा हूँ कि मुझे सी फूड फेस्टिवल में जाना है, मैं सी फूड फेस्टिवल के लिए आया हुआ हूँ। तो ये है वही जगह जहाँ पर सी फूड का फेस्टिवल लगा हुआ है, और तो सोचा मैं क्यों ना अब यहाँ पर एंट्री ले लूँ। हालाँकि ये पूरी तरह से अब तक खुला हुआ नहीं है, इसका टाइमिंग 7 बजे का था, लेकिन मैं सोचा फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि मेरे को वापस जाना था मेरे दूसरे काम के लिए। तो मैं यहाँ से अंदर एंट्री ले रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या सी फूड मौजूद है, क्या क्या सी फूड अवेलेबल है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पूरा ड्राई फिश वगैरह, ड्राई सी फूड्स वगैरह है, प्रॉन्स वगैरह है, मसाले है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, फिश वगैरह रखी है, ये सब क्वालिटी आइसक्रीम्स है और भी दूसरी चीज़ें। यहाँ पर पान है और यहाँ पर आइसक्रीम है, फालूदा है। तो अभी ये एक्चुअली ये पूरा लास्ट का है, जो स्टॉल लगा हुआ है ये पूरा लास्ट का है। स्टार्ट सामने से होता है, स्टार्ट वहाँ से होगा, तो मैं आपको अभी वहाँ पर भी लेके जाना चाहूँगा और फिर वापस से दोबारा मैं यहाँ पर आपको लेके आऊँगा और दिखाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की ओर। चले एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं ऐसा। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ है, सफाई वगैरह सब सामान उलझा पड़ा हुआ है, अभी सब चीज़ें सेट होनी बाकी है। तो चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ मैं और चीज़ें। आपका क्या यूट्यूब है? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। तो देखिए इसके अंदर है झींगे का जो सूखा होता है, सूखे झींगे वो है, और यहाँ पर एक और झींगा है, कोलबी वगैरह, और दूसरी तरफ है झींगा करी, ये है झींगे का सालन, झींगा करी। देखिए कितनी रेड ग्रेवी है और कितनी गाढ़ी ग्रेवी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर सारी चीज़ें सेट होना बाकी है और यहाँ पर बहुत गड़बड़ है। ये कौन सा है? पेटिस, प्रॉन्स का पेटिस है। तो यहाँ पर ये प्रॉन्स के पेटिस है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पर, सब लेडीज़ लोग लगे हुए हैं साथ में, सब यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये है पॉम्फ्रेट, तली हुई जो फिश होती है, तली हुई पॉम्फ्रेट वो है, पापलेट इसको बोलते हैं। मेरे लिए तो ये है सोल करी, बहुत ज्यादा ही फेमस है ये। तो ये जो आंटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने मुझे सोल करी पिलाया है। सोल करी बहुत बेस्ट है इनकी और बहुत अच्छी थी टेस्ट में। कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से तो प्लीज आप मुझे इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए, जो आपके हाथ में सोल करी उसके बारे में बताइए मुझे। फिश खाने के बाद सोल करी खाएंगे तो डाइजेस्ट अच्छा होता है, और ये हमारे इसका ये सिग्नेचर ड्रिंक है, सिग्नेचर सोल करी है कोली फेस्टिवल का। अच्छा अच्छा, ये फेस्टिवल कब से कब तक लगता है ये? मतलब तीन दिन से लग रहा है, लेकिन तीन दिन लगता है हर साल, 3 दिन लगता है, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद से तीसरे साल के बाद लगा हुआ है। ये 3 साल गैप हो गया इसका, ये 4th साल है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत सुना था लेकिन मेरे को अभी मौका मिला आने का। ये महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट फेस्टिवल है, वर्सो सी फूड फेस्टिवल। अच्छा अच्छा, और उससे भी ज्यादा हमारा स्टॉल एकदम सस्ता और मस्त है, हमारे 200 ये सब महिला मंडल ही चलाते हैं, इसमें एक भी जेंट्स नहीं रहता, मतलब सब टोटल। लेकिन हम इसमें फायदा नहीं देते हैं, इंजॉयमेंट के लिए हम चलाते हैं। इसके पीछे कुछ कहानी है क्या पहले, जैसे मतलब ये फेस्टिवल क्यों लगाया जाता है यहाँ पर, मतलब इसके पीछे कुछ साल भर औरत लोग कमाते हैं, उसके लिए 3 दिन के लिए रेस्ट मांगता है, इसलिए ये लगाते हैं। अच्छा, मस्त जस्ट खाली है कि खुशी के लिए लगाते हैं यहाँ पर, हंसी मजाक मनोरंजन इसके लिए लगाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी मंडी हो गया, इसमें किसको नौकरी ने कुछ नहीं, तो इसमें भी ज्यादातर लोग कमाते हैं। जी जी, बस थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जरूर जरूर सर। तो सारी आंटीज ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया और मुझे कॉर्पोरेट भी किया, इतनी गड़बड़ होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं वो सारी आंटीज़ का।
तो चलिए आगे की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तैयार करके लगा दी गई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं पॉम्फ्रेट है, प्रॉन्स है और बहुत सारी दूसरी ग्रेवीज है। और यहाँ पर भी आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद है। सुरमई यहाँ पर ये तली जा रही है तवे पर, बड़ी बड़ी सुरमई के फिलेज है, और ये प्रॉन्स है, और उसके आगे ये कैब्स है, खेकड़े वगैरह। तो अभी मतलब ये पूरी तरह से पूरा अभी चालू नहीं हुआ है, तो हम लोग को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि मेरे को वो आंटीज़ लोग मुझे रुकने के कह रहे थे 7 बजे तक रुकना, उनको मतलब और चीज़ें मुझे वो एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन मुझे अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास और रुकने के लिए कि मैं रुक सकूँ। इसके लिए मैं आगे की ओर दिखाना चाहूँगा आपको कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये है फिश बिरयानी, क्या मज़ेदार है यार, कसम से देख के ऐसा लग रहा बस खा जाओ, बहुत ज़्यादा मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और यहाँ पर भी ये तंदूर में जाएगा पूरा जो रखा के रखे लोग, ऊपर भी जैसा कि आप देख सकते हैं सुरमई है, पापलेट है, क्रैब्स है, बांगड़ा है, और भी प्रॉन्स है, सब लटका के रखे, ये सब जाएगा भट्टी के अंदर भुनने के लिए तंदूर में। तो यहाँ पर सारे प्राइस लिखे हुए हैं, जो इनके काउंटर में चीज़ें अवेलेबल रहेगी उसकी यहाँ पर सारी चीज़ों के प्राइस लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप इसमें। तो चलिए आगे की ओर दिखाता हूँ मैं आपको और। तो ये आप देख सकते हैं, मैं जूम कर लूँ थोड़ा, तो ये यहाँ पर ये शाशलिक बना के रखे, ये शायद प्रॉन्स है या फिर इसके अंदर कुछ फिश का ही कुछ होगा। और उसके बाजू में आप देख सकते हैं मोदक जैसा है कुछ बना के रखे, अंदर फीलिंग्स वो या तो फिश की होगी अगर वो सेवरी होगा, या फिर अगर वो स्वीट होगा तो उसके अंदर कुछ मीठा ही होगा। तो आप एक नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे टेबल्स लगा के रखे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पे पब्लिक आने वाली है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर है स्टफ बनाना स्वीट डिश, और लॉबस्टर मसाला, पीछे है प्रॉन्स मसाला, जो शाशली जो अपने पीछे देखा था वही सेम चीज़ है। यहाँ पर है करदी मसाला फ्राई, जो झींगे होते हैं छोटे वाले जो करदी वो है यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये भी कुछ ग्रेवी टाइप है, सूखी ड्राई ग्रेवी टाइप है। भाई ये क्या है? ये फिश कीमा। तो ये है फिश कीमा, और बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर है ये स्क्विड मसाला। स्क्विड है वो है जो ऑक्टोपस जैसा रहता है, लेकिन वो ऑक्टोपस नहीं रहता, उसकी अलग ज़्यादा रहती है। और यहाँ पर ये है क्रैब्स, और यहाँ पर ये है शेलफिश मसाला यानी कि सिप्पी। और ये जो येलो कलर का देख रहे हैं ये एग्स होते हैं, फिश के एग्स होते हैं, वो भी ड्राई मसाले बनते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन के लिए जो कि तंदूर में जाएगी। तो हम लोग तंदूर बना के देख सकते हैं। अच्छा, और प्लस ये लॉबस्टर है, लॉबस्टर बिग साइज है, इसकी प्राइस है 2000 से 1000 तक सिंगल की। सिंगल एक तीसरी आ रहा है, ठीक है, इसको कोली में शिवली बोलते हैं, तीसरी। अच्छा, मतलब ये शिप है, शिप है, शिप शिप सही सही। और ग्रीन मसाला लॉबस्टर है, ये बॉम्बे के बोमिल है, सुरमे ग्रेवी है वो साइड में, जस्ट उसी बाजू में बगल में प्रॉन्स ग्रेवी, प्रॉन्स ग्रेवी, और वो गाबुली, वो एग है ना, गाबुली एग मसाला, हाँ एग मसाला फिश एग। यहाँ पे भी वैसे सेम सेम, ये क्रश वाला है गाबुली, ये वन पीस गाबुली। अच्छा अच्छा, जिसे चाहिए आपको चाहिए ऐसा आपको सुखा कर सकते हैं। ये कोलम भी है ना, कशी है, ये सुरमा फ्राई जी। अच्छा, आपको जैसे साइज है वैसे साइज का आपको प्राइस मिलेगा, ठीक है। शुक्रिया। ये 400 में पूरी प्लेट, तुम्हें दोनों मसाला खाओ सकता। और उस साइड ये तंदूर पापड़ है, इसके साइज देखो, वाकई काफ़ी बड़ी साइज है पॉम्फ्रेट की। सुरमे, सुरमे ग्रेवी है, ये रावस टिका है, कोलम भी टिका है,
ये सब तंदूर में, लेकिन ओनली फिश है, नो चिकन नो मटन, नो चिकन नो मटन, ओनली फिश और प्रॉन्स, व्हाटसएप सी फूड है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। तो यहाँ पर भी किसी चीज़ की तैयारी हो रही है और सब चीज़ें सेटअप होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है वर्सावा कोली सी फूड फेस्टिवल का मंच यानी कि स्टेज। यहाँ पर सब डांस वगैरह होते हैं और कोली डांस तो यहाँ का बहुत ही मशहूर है। कोली डांस अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे मतलब अगर यहाँ पर डांस स्टार्ट हो गया तो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। और बाकी सब स्पॉन्सर्स वगैरह भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टेबल काउंटर नंबर है यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 10 जहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की थी। जो वो आंटी जो हम लोगों को सोल करी की डेफिनेशन सोल करी के बारे में बता रहे थे तो ये उनका स्टॉल नंबर था 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम हो गई है, लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है, गर्दी बढ़ गई है जैसा कि देख सकते हैं आप। और ये है रसीली फालूदा कुल्फ़ी आइसक्रीम वगैरह भी है यहाँ पर और जैसा कि देख सकते हैं आप इस वीडियो में। उसके अलावा भी दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर है। शौरमा देख सकते हैं आप यहाँ पर, शौरमा में तो पहली बार देखा हूँ फिश का शौरमा। हालांकि हम लोगों ने चिकन का शौरमा खाया है, मटन का खाया है, फिश का शौरमा यहाँ पर पहली बार देखने को मिला मुझे, वो भी सी फूड फेस्टिवल में। कोई एक नई चीज़ देखने को मिली है यहाँ पर। और इसके बाजू में आपको पान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है लय भारी और यहाँ पर कुछ चीज़ भी अलग सी लग रही है, नई सी। चलिए चलते हैं आगे और आंटी से पूछते हैं क्या है ये। आंटी क्या है ये? बोम्बिल पकौड़ा। बोम्बिल पकौड़ा, अच्छा। ये प्रॉन्स टिक्की, अच्छा। और ये रावस की टिक्की है, रावस मतलब बर्गर टाइप टिक्की है। ये रावस की टिक्की है, ठीक है, चलिए, थैंक यू आंटी। तो यहाँ पर जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं इस बैनर में सारी की सारी ये प्रॉन्स या फिर फिश की ही होगी। यहाँ पे कोई मटन नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई बीफ का कोई प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी फूड प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते हैं। सी फूड की बात हो रही है और नारियल पानी ना हो तो ये तो थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। तो ये है आइसक्रीम और डेजर्ट का काउंटर। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अगेन वही चीज़ें, यहाँ पर स्टफ्ड बनाना स्वीट डिश है और उसके आगे ये क्रैब्स है, मसाला क्रैब्स। और ये जो पीछे मछली देखे थे हम लोगों ने ड्राई, जो उसकी ग्रेवी थी वो है। और यहाँ पर भी वही है, प्रॉन्स वगैरह है, कोलबी वगैरह। ये क्या है, कौन सा डिश है ये? कोलबी, कोलबी प्रॉन्स है। और ये, और ये माकली स्वीट बोलते हैं, क्या बोले? स्वीट बोलते हैं माकली, माकली स्वीट माकली। ठीक है, छुट्टी, थैंक यू। ये है फिश के अंडे, अंडा मसाला है, फिश मसाला, फिश के एग्स है ना वो। और आगे है पापलेट, भांगड़ा और सुरमई फ्राई। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंजी, ये जो गुजिया टाइप होती है, यूपी में से गुजिया बोलते हैं और मराठी में से करंजी बोलते हैं। इसके अंदर जो खोपरा मावा वगैरह होता है और फिर वापस वही डिश है यहाँ पर, सुरमई है। और बाकी सब डिशेस के नाम है और उसके प्राइजेस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। पापलेट आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से फ्राई होने जा रही है, बड़े से तवे पर गर्म ऑयल में छन करके आवाज़ आई है इसमें, देख सकते हैं आप इस वीडियो में। ये कितनी बड़ी पापलेट है और ये फ्राई हो रही है। भैया क्या है ये? प्रॉन्स मसाला। तो अब इस तंदूर की भट्टी पर आप देख सकते हैं प्रॉन्स मसाला बनाया जा रहा है और दूसरी साइड में एक पतीले में पापलेट मैरिनेट होके रखी है। अब उसके बाद हो जाएगी पापलेट भुनी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए किस तरह से यहाँ पर डिशेज लगाई गई है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट काउंटर पे क्या है। तो यहाँ पर है भाकरी यानी कि चावल की रोटी और प्रॉन्स तवा है और फिश वगैरह है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। पीछे भी फिश वगैरह भुनी जा रही है तंदूर पर, उसकी तैयारी की जा रही है। ये जो पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तंदूर पर जो मछली रखी हुई है ये है रावस मछली। और बाजू में ये यहाँ पर देख सकते हैं आप ये है लॉबस्टर प्रॉन्स जो मीडियम साइज के आते हैं। और जो ये थाले में रखे हुए ये है पॉम्फ्रेट फिश और रावस फिश। और इस साइड आप कढ़ाई में देख सकते हैं यहाँ पर स्टफ बनाना बनाया जा रहा है।
यहाँ पर भी एक अलग से मसाले में मछलियाँ मैरिनेट करके रखी है, और आगे आप देख सकते हैं सैलेड्स वगैरह भी है। चलिए अब काउंटर नंबर 17 पे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कितना बड़ा केले का पत्ता रखा हुआ है, इसको यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा, उस चीज़ को मतलब यहाँ पर काउंटर पर लगाएंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिंगल पापलेट की प्राइस है वहाँ पर 800 रुपये। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, कल्पना भावे, ये क्या बना रहे हैं आप? प्रॉन्स पैटिस। इसका ये बैटर है अपना, मिक्सर वगैरह से। हां त्यासाठी पैचर बघाय नाही चांगले घ्यायचं मच्छी। बांगडा ये कौन सी फिश है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाकरी किस तरह से बनाई जाती है। चावल की रोटी जो होती है उसको सिर्फ और सिर्फ हाथों से ही बनाया जाता है। कुछ लोग बेलन से भी बनाते हैं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन इस चीज़ को जहाँ तक मैंने देखा ये हाथ से ही बनती। मेरे घर में भी ये हाथ से ही चावल की रोटी बनती है। और आप देख सकते हैं इन लोगों ने अपने हाथों से कितनी पतली रोटियाँ बनाई है। आदमी लोग भी यहाँ पर हाथ बटाते औरतों का, लेकिन जो ये चलाती है पूरा सी फूड फेस्टिवल वो औरतों के पर ही होता है। मतलब ये औरतें इस चीज़ को चलाती है यहाँ पर। तो 7 बज गए हैं और अभी तक के यहाँ पर जो डांस होता है नाच गाना उसका अभी तक यहाँ पर शुरू हुआ नहीं है। पता नहीं है कब तक और टाइम लगेगा इस चीज़ को स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न काउंटर भी है। तो आप इस बोर्ड में देख सकते हैं बैनर पर यहाँ पर जो हाथ के जो इम्प्रेशंस होते हैं, जैसे हाथ और पाँव के जो निकालते हैं, चाहे वो बच्चों के हो चाहे वो बड़ों के हो, तो ये उसमें एक्सपर्ट है। ये जिनका है ये निहित नाम का बंदा जो है यहाँ पर, वो एक्सपर्ट है यहाँ पर, सारी चीज़ें वो करते हैं। तो देख सकते हैं आप इस चीज़ को। तो यहाँ पर गोला वगैरह भी है एक्जॉटिक फ्लेवर्स के साथ में। स्मोकी पान और स्मोकी जो बिस्किट होती है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
तो ये है ट्राई हटके मसाले। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और इनसे थोड़ी सी पूछताछ करते हैं और कुछ मालूम हासिल करते हैं यहाँ पर। भाई क्या मसाले? पनीर मसाला है सर, आपको सब चीज़ के लिए आपको यूज़ हो सकता है। आप इसको चिकन में डाल सकते हो, मटन में डाल सकते हो, फिश में डाल सकते हो, सब करी में डाल सकते हो, ऑल इन वन है। स्पेशली ये फेस्टिवल के लिए बना हुआ है। अच्छा, तो कैसा रहता है, ज़्यादा स्पाइसी रहता है या नॉर्मल रहता है? नॉर्मल रहता है सर, मतलब हर इंसान खा सकता है इसको? हर इंसान खा सकता है, सबके लिए। अच्छा, क्या प्राइस है उसका? और इसका एक्चुअली इसका MRP रेट है 200, स्पेशल डिस्काउंट है 150। अच्छा, मतलब फेस्टिवल के लिए? फेस्टिवल के लिए स्पेशल डिस्काउंट है सर। ठीक है, इसके बाद मतलब फिर मार्केट में जाता होगा ना बिकने के लिए? या सर, मार्केट में कहाँ कहाँ मिल जाएगा ये, अवेलेबल कहाँ कहाँ होता है मार्केट में? आपको आपके नियर के सुपर मार्केट जो होते हैं, सुपर मार्केट में सब मिल जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। देखो सर, ट्राई करो, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ऑल इन वन है, सबके लिए यूज हो सकता है। और इसका पीरियड भी 1 ईयर का है, और आपको कुछ डाउट रहेगा या कुछ आपको ये इंक्वायरी रहेगी तो हमारा ऑफिस का नंबर है, आप कॉल कर सकते। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जिंजर गार्लिक पेस्ट है जी सर। तो ये है यादगार फालूदा। यादगार वालों का जो फालूदा होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर वो फालूदा भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये है सूखी मच्छी का काउंटर। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जो गीली मच्छी होती है, जो फ्रेश फिश होती है, सी फूड्स वगैरह, उसी को देखे, मगर अब यहाँ पर ये है सूखी मच्छी का, ड्राई फिश का काउंटर यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर है बोमबिल सूखी वाली, जवला है, कड़दी है, और छोटे वाले जो बिना छिलके वाले जो झींगे होते हैं, जो छिले में होते हैं, वो है सुरमई है। ये सुरमई है? हाँ सुरमई है। ठीक है, ठीक। ये लोनसा है, ये बोमड्याचं लोनसं आहे, ये कोळंबीचं लोनसं आहे। वाव, त्याच्यासाठी चटणी आहे बोमड्याची, ती सर्दी आहे, जवळा आहे, ती बळी आहे, आपली बांगडा आहे, सुरमई आहे। तो वहाँ पर आपको सारे जो ड्राई फिश है, जो ड्राई सी फूड्स है, सबके प्राइजेज अलग अलग है। सब पैकेट्स वाले के अलग प्राइज है, ऊपर नीचे है, कम ज़्यादा हो जाएगा, मगर आपको यहाँ पर आकर लेना पड़ेगा वो सब चीज़ें। तो ये था हमारा कंप्लीट टूर भरसावा सी फूड फेस्टिवल का। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझको ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।